और इस बीच आपको छत्तीसगढ़ से खबर दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी का हल्ला बोल धान खरीदी के विरोध में और लगातार प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन आज बीजेपी की तरफ से होने जा रहा है। हल्ला बोल धान खरीद के जो नीतियां हैं उसके विरोध में यह धरना है। आपको बता दें कि विधानसभा में भी धान खरीद का मुद्दा उठाएगी बीजेपी। तो बड़ी खबर, जहां पर धान खरीदी को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल है और इसे लेकर धरना प्रदर्शन प्रदेश भर में होने जा रहा है और विधानसभा का सत्र जो है उसमें भी धान खरीद का मुद्दा उठाएगी बीजेपी। आपको बता दें कि लगातार धान खरीदी को लेकर प्रदेश भर में किसानों का आक्रोश देखा जा रहा था और इसे लेकर अब बीजेपी का हल्ला बोल, जहां प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। तो सरकार की तरफ से बारदानों की कमी की बात की जा रही थी, जिसकी वजह से धान खरीदी समय पर नहीं हो पाई और इसे लेकर धान खरीदी का समय बढ़ाने की भी मांग किसान संगठनों और कृषकों ने की। लेकिन तमाम बातों के बावजूद जब कृषक संगठनों में नाराजगी रही, उसके बाद अब बीजेपी का यह हल्ला बोल, विधानसभा में भी अब धान खरीद का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। तो धान खरीदी के मुद्दे को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल है, प्रदेश सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ से पलाश जुड़ रहे हैं। पलाश, लगातार धान खरीदी के मुद्दे को लेकर जहां एक तरफ कृषक परेशान है, चक्काजाम करते हुए नजर आए, कलेक्ट्रेट कार्यालय में रात भर प्रदर्शन किया और कई बार ऐसी स्थिति बनी कि आक्रोश कृषकों का देखने को मिला, लेकिन अब धान खरीदी का मुद्दा लगातार इतना गर्मा गया है कि बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लेकर हल्ला बोल करने की राजनीति बना ली। अभी क्या स्थितियां, किस प्रकार का प्रदर्शन देखा जा रहा है? अजी बिल्कुल, आपको बता देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से धान खरीदी का, एक तो पहले राज्य सरकार ने ऐलान किया कि आपको समर्थन मूल्य के साथ जो है वो आपका धान खरीदा जाएगा और तमाम तरीके के वादे राज्य सरकार ने किए थे, लेकिन अभी तक जो है वो किसानों का ना तो पूरा धान खरीदाया है ना ही किसानों को अभी तक समर्थन मूल्य मिला है। 2500 रुपए प्रति क्विंटल जो है वो धान खरीदी की बात राज्य सरकार ने किसानों से वादा किया था, जिसके चलते किसानों ने विधानसभा चुनाव में राज्य सरकार यानी कांग्रेस पार्टी को जो है वो भारी बहुमत से छत्तीसगढ़ में एक तरफा जीत दिलाई थी, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की एक करारी शिकस्त हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से ये धान खरीदी का जो मुद्दा जो सामने आया था, सबसे पहला मुद्दा तो ये था कि किसानों का पूरा लोन माफ किया जाएगा, वही वहां पर भी राज्य सरकार ने अपना वादा तो पूरा किया, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर भी कुछ कमियां नजर आई थी। लेकिन किसानों ने उसके बाद भी राज्य सरकार के समर्थन में जो है वो बात की और राज्य सरकार का लगातार समर्थन किया। वही बात करते हैं अगर कांग्रेस पार्टी और राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार ने भूपेश बघेल ने जो है वो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उन्होंने ये वादा किया था कि किसानों का पूरा धान यानी एक धान की बाली भी जो है वो कहीं जाया नहीं जाएगी और लगातार जो है वो धान छत्तीसगढ़ के किसानों का पूरा धान खरीदा जाएगा और समर्थन मूल्य 2500 रुपए भी उन्हें मिलेगा। तो इस बात को लेकर जो है किसान काफी उत्साहित थे, लेकिन जैसे ही धान खरीदने की बारी आई तो मंडियों में जो है वो राज्य सरकार के द्वारा जो धान खरीदा जाना था, अब तक वो पूरा धान भी नहीं खरीदा गया है, जिसको लेकर किसान जो है वो अब धीरे धीरे परेशान। बिल्कुल पलाश, यहाँ ये भी कहा जा रहा था कि किसानों के द्वारा कि जो समय सीमा है उसको बढ़ाया जाए ताकि धान खरीदी हो सके, सरकार की तरफ से बारदानों की कमी का भी जिक्र हुआ, लेकिन अब ये मुद्दा इतना ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिए जा रहे। आगे क्या कुछ एक्शन लिए जा सकते हैं सरकार की तरफ से, ताकि ये जो आंदोलन है कृषकों का ये रुके और जो मुद्दा बनाया गया है प्रदर्शन को लेकर बीजेपी जो आज कर रही है उस पर रोक लग पाए? जी, सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया जाना था वो एक्शन तो सरकार की तरफ से नहीं लिया गया, लेकिन अगर बात करें सरकार के एक्शन की, तो सरकार ने जो है वो किसानों पर लाठी चार्ज करके एक तरीके से मानो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। राज्य सरकार ने जो अभी हाल ही में जो कांकेर और कोंडा गांव में देखने को मिला कि किसानों को, किसान जो अपना धान बेचने मंडी गए हुए थे, उन पर जो है वो पुलिस ने जो है वो लाठी बरसाई है, उनके आक्रोश को जो है वो पुलिस नियंत्रण में नहीं कर पाई, जबकि इसमें कहीं ना कहीं गलती जो है वो राज्य सरकार की नजर आ रही थी, जिसको लेकर जो है किसान काफी आक्रोशित थे, क्योंकि धान खरीदी का जो एक समय होना था
सबसे पहली बात तो ये कि धान खरीदी राज्य सरकार ने काफी देर से शुरू की और उसके बाद धान खरीदी करने का जो समय सीमा तय की गई थी वो समय सीमा कहीं ना कहीं काफी कम नजर आ रही थी, जिसको लेकर किसानों में कहीं ना कहीं आक्रोश था। और टोकन कटाने का जो नियम रहता है वो काफी लेट था। वहीं राज्य सरकार किसानों को ये भी बोलती रही कि बारदाना बनाने वाली कंपनियों ने इस बार जो है वो राज्य सरकार को बारदाना नहीं दिया है और तमाम चीजें जो है वो केंद्र सरकार पर जो है वो छत्तीसगढ़ की जो है कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जो है वो केंद्र की भाजपा सरकार पर तमाम जो है वो चीजें थोपती रही। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसानों की सरकार कही जाती है, किसानों के लिए खड़े होने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहे जाते हैं, तो उन्होंने जो है वो जो लाठीचार्ज हुआ है किसानों पर वो कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस पार्टी ने अपने पैर पे जो है वो कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है। बिल्कुल, और यही वजह है कि अब बीजेपी का हल्ला बोल प्रदेश भर में देखा जा रहा है कृषकों के साथ, जहां सरकार होने का दावा और वादा कर रही थी लेकिन एक तरफ लाठी चार्ज और जो सही मूल्य पर धान खरीदनी थी, सही समय तक खरीदनी थी, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाई। और यही वजह है कि किसान संगठन और तमाम कृषक जो है अब उनमें नाराजगी देखी जा रही है और प्रदेश भर में अब बीजेपी हल्ला बोल की तैयारी में, साथ ही विधानसभा में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। बहुत शुक्रिया पराश मसा जुड़ने के लिए। तो अब तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर गेहूं और तमाम जो फसलें हैं उनकी खरीदी होनी थी, समय बढ़ाने की मांग लगातार कृषकों के द्वारा की जा रही थी लेकिन वो समय नहीं मिल पाया और यही वजह है कि अब कृषक संगठन नाराज है और अब बीजेपी भी उनके साथ हो चली है। तो धान खरीद को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, किसानों के साथ अब सरकार नजर नहीं आई, यही वजह है कि अब विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया है और विधानसभा में भी जोर शोर से हल्ला बोल किया जाएगा, इस मुद्दे को उठाया जाएगा।